मेरा नाम विकास खिच्ची है जी, पाली गाँव से। जी पाली गांव से भी। सर ये क्या मामला था, जैसे आपकी मिसिस थी क्या, जिसकी डिलीवरी हुई थी, जी उसके जी डिलीवरी के दौरान मौत हुई। जी जी मेरी मिसिस थी, सालू नाम था जी, और पड़तल में शादी हुई है मेरी। और यहाँ से जी डिलीवरी, उसके थोड़ा पेन होने लग गया, यहाँ से हम लेके गए उसको सिविल हॉस्पिटल के अंदर एक दिन पहले। वहाँ पे सिविल हॉस्पिटल वालों ने कहा भाई, दवाई वगैरह दी कि भाई थोड़ा टाइम आप है ना, एक हफ्ते बाद फिर आना हमारे पास, तब डिलीवरी करवाएंगे। तो हम अगले दिन, उसके ज़्यादा पेन होने लग गया, तो यहाँ से हम एम्बुलेंस बुला के वहाँ पे पहुँचे सिविल हॉस्पिटल में। वहाँ पे जी उसके इंजेक्शन वगैरह दिए गए उसको, और 6-7 घंटे बाद उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे तो बात नहीं बन रही है, और आप इसको और कहीं लेके जाएं, नांदोल भी मत लेके जाना, या आप रोहतक जाएं या और कहीं लेके जाएं, हमारे बस की बात नहीं है। उन्होंने ऐसा कहकर हमें वहाँ से हम और कहीं लेके गए उसको। तो किसी से बात करके चिराई हॉस्पिटल के बारे में बताया गया फादर साहब को, तो वो उनको चिराई हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, और जिसमें मेरा पूरा परिवार साथ था, और उसको चिराई हॉस्पिटल के अंदर दाखिल किया गया। वहाँ पे डिलीवरी हो गई थी, और उन्होंने 3-4 बजे तक वो ठीक थी, 24 घंटे पहले डिलीवरी हो गई थी। 24 घंटे के अंदर रात ने इंजेक्शन वगैरह दिए हैं उनको, और मैं मिला हूँ 3-4 बजे तक। मेरी माँ जी वगैरह सारे परिवार के साथ थे, पापा मम्मी मेरी माँ जी और सालू की मम्मी भी आई हुई थी, वहाँ पे हम मौजूद थे। तो 3-4 बजे तक सब ठीक था, और मैं घर भी आया हूँ, छोटा भाई भी आया है, मेरी माँ जी भी आई हैं, खाना वाना लेके गए हैं, उसके कुछ चाहिए था वो भी ले गए हैं। तो मेरे पास यहाँ पे पहुँचा हूँ, जैसे ही मेरे पास फ़ोन आता है मेरे साले का, भाई ऐसे ऐसे ज़्यादा सीरियस हो गई है, आप जल्दी आ जाए। मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ तो देख के आया था, तो दोबारा मैं पहुंचता हूँ चिराई हॉस्पिटल में, तो जाके मैं रूम को खोलता हूँ, तो देखा उसके नलके नलके चढ़ रही हैं पूरे, और खून की उल्टियाँ चल रही हैं, और बहुत ही बुरा हाल, श्वासम सांस हो रही है। और मेरे को वो दो खून की डब्बियाँ पकड़ा देते हैं कि भाई आप ये अरेंजमेंट कीजिए खून का। तो भाई मैं कहाँ से करूँगा, मैंने उनको कहा भी, लेकिन मैं फिर भी वहाँ से दौड़ा, और हमने पौने घंटे के अंदर खून का इंतजाम भी किया। लेकिन बाद में हम पहुँचते हैं वहाँ पे, तो डेड मिलती है जी, कुछ नहीं। और उन्होंने 2-3 घंटे तक परिवार वालों को, जैसे ही उनको पता चल गया कि भाई इंजेक्शन वगैरह में गड़बड़ की है या उन्होंने क्या किया है, परिवार को 3 घंटे तक अंदर नहीं जाने दिया, उनको बाहर बैठा दिया गया। मेरी माँ जी वगैरह थी सारी की सारी, इनको भी नहीं मिलने दिया गया। उसके बाद तो वो थोड़ी देर में नर्स आती है, बोले भाई आप है ना, यहाँ एम्बुलेंस खड़ी कर दी उन्होंने बाहर, बोला आप इसको जल्दी से जल्दी और कहीं लेके जाए, मेदांता वगैरह में आप लेके जाए और इलाज कराएं। तो माँ जी जैसे ही जाके देखती है, तो इतनी देर में डेड बॉडी हो गई थी, मर चुकी थी, और कोई नहीं था जी हॉस्पिटल में। बुला बुला रहे थे तब तक, लगभग उन्होंने जितने भी थे उनकी सभी की छुट्टी कर दी थी, खाली कर दिया था हॉस्पिटल। और बाद में जी यह वारदात मेरे साथ घट गई, और बुरा हाल हुआ जी हॉस्पिटल के अंदर मतलब बच्ची उसका। को जन्म दिया है उन्होंने, हाँ क्या जी, गुड़िया है, उनको जन्म दिया है, गुड़िया स्वस्थ है। कार्रवाई चल रही है पुलिस गुड़िया के के साथ जी में? उन्होंने कुछ नहीं, बाद में वो गुड़िया भी अंदर रखी उन्होंने, और ना ही गुड़िया से मिलने दिया, और मतलब बिल्कुल जी जीरो कार्रवाई उनकी तरफ से, कुछ नहीं जी बिल्कुल। पुलिस वालों ने क्या कहा है, अभी कोई एफआईआर वगैरह हाँ दर्ज हुई पुलिस है किनके वाला जी, FIR दर्ज की है, करवाई है, और नाम से हुई है? सर FIR जी उनके नाम से ही है, विशाल के नाम से। आ जाओ, ये मेरे भैया हैं, ये मेरे साथ थे, उनका सिविल हॉस्पिटल में हुआ है, जैसे टीम बैठती है उसके हिसाब से अब आ जाती है रिपोर्ट। बोर्ड से बिल्कुल करवाया था हाँ आपने, जी, तो बोर्ड से करवाया है क्या बताना चाहेंगे, बताइए क्या घटना थी, क्या सर। नाम आपका, मेरा नाम विशाल है, घटना सालों के क्या लगता है? देवर लगता हूँ जी। अच्छा बताइए बताइए। जी डॉक्टर ने डिलीवरी वैसे क्या घटना है इसका? के लिए लेके गए थे, उससे पहले 21 अप्रैल को हम पहले सिविल हॉस्पिटल में लेके गए थे चेक कराने के लिए। वहाँ पे सब कुछ उन्होंने, सिविल हॉस्पिटल वालों ने सब कुछ नॉर्मल बताया हमें, ऐसे बताया कि डिलीवरी हो जाएगी लेकिन उसमें 2-4 दिन का टाइम लगेगा, और इंजेक्शन वगैरह मतलब कि कोई चेक वगैरह, बीपी वगैरह चेक चुक की थी, तो उस वो सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल था उस दिन। ऐसे बोले कि 1-2 दिन का टाइम लगेगा, डिलीवरी नॉर्मल ही हो जाएगी और यहीं हो जाएगी, सिविल हॉस्पिटल में ही करा देंगे। फिर 1-2 दिन हमने घर आ गए उस दिन 21 अप्रैल को, फिर 1-2 दिन बाद दोबारा चेक कराने के लिए दोबारा गए, तब उन्होंने सुबह एम्बुलेंस बुलाई थी, 6 बजे के अराउंड, 6 6 और 6 बजे एम्बुलेंस बुलाई, 108 पे कॉल की, मैंने की थी।
और फिर एम्बुलेंस आई, फिर भाभी जी को हॉस्पिटल ले गए, मम्मी पापा परिवार हॉस्पिटल लेके गया। तो वहाँ पे जाके फिर चेकअप वगैरह किया सिविल हॉस्पिटल में उनका, फिर उसके बाद इंजेक्शन वगैरह, गोली वगैरह, मेडिसिन वगैरह दे के देखी। तो फिर उन्होंने बीपी वगैरह भी चेक किया, तो बीपी एक बार तो डाउन आ गया था, फिर उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ने बढ़ने लग गया था। तो फिर उन्होंने हमें बोला कि या तो किसी रोहतक ले जाओ या फिर गुड़गांव ले जाओ, नारनौल ले जाओ मत, नारनौल में आपको वहीं से रेफ़र हो रोहतक या गुड़गांव या कहीं रोहतक के लिए कर देंगे रेफ़र, तो नारनौल तो ले जाओ मत, या फिर किसी प्राइवेट अच्छे बच्चों के अस्पताल में दिखाओ, ऑपरेशन से होना है बेबी तो थोड़ा सा दिखाओ, ऐसे बताया उन्होंने, ऐसे बोला गया हमको। एम्बुलेंस की पूछी कि एम्बुलेंस छोड़ गया है कि एम्बुलेंस, उन्होंने मना कर दिया कि एम्बुलेंस नहीं जा सकती, सिविल हॉस्पिटल वालों ने एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं की, ऑटो में लेके गए हैं। फिर उसके बाद हम वहाँ पे ऑटो में गए, फिर ऑटो में जाने के बाद उन्होंने, डॉक्टर मुकेश शर्मा जी वहाँ पे उपस्थित थे उनके रूम में, उसके बाद फिर हम उसके पास गए रिसेप्शन पे, जाने के बाद फिर डॉक्टर के पास फाइल लेके गए, तो उन्होंने फाइल ले गए, फाइल मतलब ली, उन्होंने फाइल देखी, देखने के बाद बोले कि ऑपरेशन से होएगा, डिलीवरी ऑपरेशन से होएगी और हम आराम से कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसका बीपी थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, पेन मतलब कि घबराहट इसमें तो थोड़ी सी ज़्यादा है, तो हम ये सब नॉर्मल कर लेंगे, आप पैसे जमा करा दो। उन्होंने 1.5 लाख रुपए हमसे बोला गया, 1.5 लाख रुपए देने के लिए कहा गया। फिर हम ऐसे उनसे मतलब कि पूछा कि ये बताओ आप मतलब कि डिलीवरी हो जाएगी, अच्छे से हो जाएगी ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत पड़ेगी वो सब अवेलेबल तो है ना आपके पास सारी, कोई भी मतलब कि कोई भी हो जैसे कि उन्होंने लालच दिया भाई, वेंटिलेटर वगैरह वेंटिलेटर सब कुछ उन्होंने हमें बताया कि सब मतलब कि एहसास दिलाया कि हम हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ अवेलेबल है और अच्छे से हो जाएगा सब कुछ, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो इसी वजह से पापा और मम्मी जी ने हाँ बोल दिया ऑपरेशन के लिए, ठीक है तो कर दो ऑपरेशन। तो ऑपरेशन के लिए फिर 1-1.5 घंटे बाद पहले तो ग्लूकोज वगैरह शायद कुछ चढ़ाया, फिर ऑपरेशन किया 4 बजे, अराउंड 4 बजे सी गुड़िया हुई, गुड़िया होने के बाद ऑपरेशन क्लोज हुआ, ऑपरेशन क्लोज होने के बाद भाभी जी ठीक थी, नॉर्मल थी बिल्कुल। मैं जैसे कि हम पता लगा कि गुड़िया हुई है, तो फिर हम यहाँ से, मैं घर पे था, घर से यहाँ से दौड़ के चला गया अपने बाइक लेके कि देखने के लिए, मेरा मन किया, खुशी हुई थी मुझे, बहुत बहुत प्रसन्न था मैं। फिर वहाँ पे जाने के बाद देखा तो हाल और अलग, मतलब कि वहाँ पे जाने के बाद देखा तो अच्छा, मतलब ठीक था उस दिन, तो नॉर्मल था हालात, वहाँ पे सही थे, भाभी जी भी ठीक थी, लेटी हुई थी, रेस्ट ले रही थी, और मम्मी, मेरी माँ, भाभी जी की मम्मी जी, सभी उनके पास बैठे हुए थे, सब ठीक था। और मैं भी फिर रोटी देने के लिए गया था एक्चुअली मैं शाम को, ताकि मम्मी पापा ये सब वहीं पे थे, तो इसी वजह से कि रोटी दिया हूँ, रोटी खाना खा लेंगे यहाँ पे रात को, और सब कुछ सही है, ऑपरेशन भी हो गया, गुड़िया भी सही है, भाभी भी उस टाइम बात भी की थी मैंने, ठीक हो भाभी जी, हाँ भी बोला, ठीक हूँ मैं, और मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ भी ठीक है, उस टाइम तक तो ठीक था, खुश थे हम, खुशी दौड़ रही थी रंगों में हमारे। उसके बाद जैसे कि फिर मैं खाना दे के वापस आ गया घर पे, मैं तो फिर वहाँ पे मम्मी जी वगैरह, पापा जी वगैरह सब थे, तो फिर टेंशन नहीं थी, एक तो मैं ऐसा फील नहीं हुआ हमें कि भाई कल को हमें ये दिन देखना भी पड़ेगा हमें। तो उसके बाद हम फिर, मैं तो घर पे आ गया, फिर मम्मी पापा वहाँ थे, फिर 1-2 घंटे जैसे कि रात 10-11 बजने को स्टार्ट हुए, तब उन्होंने जैसे मेडिसिन वगैरह देते हैं, तो उन्होंने इंजेक्शन वगैरह दिया, उस नलकी में इंजेक्शन दिया जो उसके लग रही थी, तो उसमें इंजेक्शन देने के तुरंत बाद ही, जैसे कि 4-5 मिनट बाद लेटी हुई थी, एकदम से ऐसे सांस की तकलीफ होने लगी और सिर दबाने लगी, ऐसे सिर को पकड़ने लगी। फिर मेरी मम्मी जी हैं, उन्होंने उनका सिर दबाया, आँख हो गए ऐसे मालिश की, पैरों के मालिश की, तो फिर नहीं हो पाया, ठीक नहीं हो पाई, 10-15 मिनट ऐसे ट्राई किया,
फिर डॉक्टर साहब को दोबारा बुलाया, उन्होंने मम्मी जी बुला के लेके आई उनको, फिर उन्होंने बुलाया, तब उन्होंने चेक किया तो वो ऐसे मेरी मम्मी जी और मेरी माँ जी इनको कहने लगे कि ये कुछ नहीं हुआ, ये तो थोड़ा सा इसका इंजेक्शन लगाया था ना, जो इंजेक्शन लगाया है ये रिएक्शन कर गया इसको, कुछ नहीं हम इसको कंट्रोल कर लेंगे, हो जाएगी ठीक, कोई नहीं है, थोड़ा सा इस वजह से चिड़चिड़ा, इस वजह से थोड़े वो घबराहट सी हो रही इसको कि इंजेक्शन रिएक्शन कर गया इसको। डॉक्टर ने ये बात हमारी मेरी माता जी और मेरी माँ के सामने बिल्कुल स्पष्ट कही थी, उनके सामने बोला गया था ये सब, और फिर तुरंत बाद वो सारी नलकी वगैरह हटा के और कोई और लगवाई, उसके बाद थोड़ा सा भाभी जी को थोड़ा सा ठीक हुई, ऐसा लगा कि हाँ अब ठीक हैं, भाभी जी ने आँखें वगैरह बंद कर ली थी सोने के लिए, थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, हम ठीक थी, फिर रात निकल गई, इसी ये होने में रात निकल गई। उसके बाद सुबह मिला हूँ, फिर मैं चार बजे में वहीं था और मैं मिला भी हूँ अच्छी तरह से, सब कुछ ओके था, और फिर दिन तक चलता रहे सब कुछ, भाई बिल्कुल ठीक है, मैं यहाँ पे ठंडा वंडे पिलाए मैंने, भाई बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ऐसा मेरा व्यवहार ही रहा है, सालों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार था, और ऐसा नहीं सोचता था कि ऐसा हो जाएगा। मैं लास्ट तक हॉस्पिटल तक मैंने मिठाइयाँ खिलाई हैं कि भाई सब कुछ ओके है, और वहाँ पे सारी गड़बड़ जी बाद में 4 बजे के बाद शुरुआत होगी, उनकी उल्टियाँ जी बिल्कुल स्वस्थ थी, वो पूरा कटोरा भरा था जी, मैं देख के वहीं पे दंग रह गया, भाई ये क्या हो गया उसके साथ, और ऐसे मतलब सांस लेने लगी थी, मैंने जिंदगी में कभी किसी को नहीं देखा जी, बहुत ही उसका बहुत ही बुरा हाल था जी, डॉक्टर वगैरह कुछ नहीं जी, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, इधर सारे इधर उधर भाग गए, और एम्बुलेंस उन्होंने खड़ी कर दी, बार बार खड़ी कर दी, डॉक्टर पीछे मुकेश शर्मा जी में मिला भी हूँ, मेरे फादर साहब हैं वो वहीं थे, 3 बार 4 बार उनको कहा है भाई तुम्हारे बस की बात नहीं, तो हम इसको और कहीं ले जाते हैं, उन्होंने लालच देते रहे भाई आप ठीक है, हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, यहीं पे हो जाएगा, आप थोड़ा नॉर्मल रहिए और आप बाहर चलिए, उनको हमको भी बाहर निकाल दिया, 2-3 घंटे तक बाहर में नहीं रखा गया जी, हमारी गलती है, रेडियम में नहीं रखा गया किसी को रूम में, और यही कहना चाहेंगे कि आगे से हमारे साथ तो गलती होगी, लेकिन ये ऑपरेशन वगैरह होता है, इनकी पूरी वीडियोग्राफी इस टाइप का होना चाहिए कि डॉक्टर कभी मतलब गलती पता चल सके कि कौन से इंजेक्शन दिया है, क्या किया है बाद में ऐसा। सर क्या मांग करते हैं सर अभी? सर मांग तो यही है, उनको बढ़िया उनको सजा मिलनी चाहिए, उनकी डिग्री वगैरह चेक की जाए, और जी हिरासत में लिया जाए सर जी, पहले हिरासत में, पुलिस हम तो घर में व्यस्त है, हम घर का हालात संभालने की कोशिश कर रहे हैं, संभल नहीं पा रहे, इस वजह से हम तो जा नहीं पा रहे हैं हम तो, और वो पुलिस प्रशासन जो है वो अभी तक उसने कुछ भी हमारे ना यहाँ पे आए हैं एक बार भी ना हमें कुछ बताया है कि अब क्या कार्रवाई हुई है, लेकिन सरकारी जो भी कार्यालय जो भी थाने पुणे कहाँ होते हैं 48 घंटे में कार्रवाई हो जानी चाहिए, लेकिन 48 घंटे से ऊपर होने का समय जा रहा है और हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई अभी तक, ये भी बहुत हमें मतलब कि बहुत दुख की घड़ी में मतलब ये भी दुख ही प्राप्त हो रहा है एक तरह से कि डॉक्टर सामने भी नहीं आ रहा और ना पुलिस उसको लाने की आगे हमारे उस हिरासत में लेने की कोशिश कर रही है, उससे उसका बयान नहीं आया अभी तक, डॉक्टर का बयान नहीं आया अभी तक, 2 बार अभी पापा को फिर दवाई दिला के लाए थे, उनकी धड़कन तेज हो रखी है, एक बार दवाई दवा के लाए थी अभी चंद्रावती के अंदर, दोबारा गए हैं देवघाट के अंदर, अभी गाड़ी आगे खड़ी हुई आप लोगों के आगे है, बहुत ही बीमार चल रहे हैं, हालात खराब है उनकी, उन्होंने बिल्कुल सुनवाई नहीं करी, बिल्कुल केयरलेस आदमी थे जी, बिल्कुल हमें मैंने मतलब ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसे ऐसे बोलते गए कि हो जाएगी ठीक, आप मतलब कि पैसे की डिमांड उन्होंने रखी अच्छी तरह रखी, नर्स थी छोटी छोटी नर्स थी इतनी, वो नर्स आके मम्मी जी को कह रही कि पैसे जमा करा दो आंटी जी, पैसे जमा करा दो, बचे हुए पैसे को छोड़ दिया, पैसे जमा कोई नहीं, गुड़िया के लिए रोने लग रही है वहाँ पे, अंदर वहाँ से तो ये सोच रहे हैं बच्ची को छोड़ दिया और भाभी जी को मृत्यु छोड़ के वहाँ पे, सब बाहर थे कोई नहीं, उनके पास कोई नहीं था जी।